और उस कार्यक्रम के दो ही हमारे मुझे लगता है आज मुख्य वक्ता रहेंगे, जो डॉक्टर सौभाग्यवर्धन थे, डायरेक्टर नॉर्थर्न कल्चरल सेंटर के, मुझे लगता नहीं कि वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो इसलिए जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का दायित्व तो है, वो मैं डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी से आग्रह करूंगा कि वो इसको स्वीकार करें। और हमारी जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर ऋचा कंबोज जी, जो देहरादून से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इस विषय पर हम सीधे सीधे बातचीत को अग्रसर करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक भी है, संवेदनशील भी है, और इस विषय के साथ साथ आपको कई तरह की अपेक्षाएं भी होंगी, और हमें भी वो अपेक्षाएं हैं कि इस विषय के ऊपर जब चर्चा करने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो आपके पास बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी होनी चाहिए, तभी जाकर के इसकी एक प्रकार से डिकोडिंग हम कर पाएंगे। अन्यथा कुछ हिस्सा हमारे हाथ आएगा, कुछ रह जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से इस सारे विषय को और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस सारे विषय को हमें देखना है। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख ही रहे हैं कि प्रतीक विद्या शब्द मैंने रखा है, मैंने शिक्षा नहीं रखा, एजुकेशन नहीं रखा उसके लिए, सिंबलिज्म के लिए, क्योंकि विद्या शब्द जो है वो एक विशिष्ट अर्थ में ज्ञान का बोधक है, वो शिक्षा की तरह प्रशिक्षण पर नहीं निर्भर करता। शिक्षा में अधिक जो बल है वो प्रशिक्षण पर है, बार बार रिपीट करना, और वो एक हद तक एक इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया बन जाती है। और विद्या जो है उसका संबंध बहुत हद तक जो है वो इंटेलिजेंस से हो जाता है, जहां पर आप सीधे सीधे किसी भी वस्तु को, स्थिति को, या किसी भी व्यक्ति को आप पूर्णता में कैसे देख पाते हैं, ये सारी बात उसमें आ जाती है। तो इसलिए विद्या शब्द प्रतीक के साथ विशेष दृष्टि से लगाया गया है, और शिक्षा शब्द से इसको थोड़ा सा हम अलग करके समझें। और दो एक बातें मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ कई श्रोता, ऑडियंस जुड़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स, आप सभी के लिए, क्योंकि श्रोता यदि बिना प्रश्नों के हो तो उनका ना तो रुचि बन पाती है, ना वो उस तरह से विषय के बारे में एक जागरूकता आ पाती है। तो इसलिए केवल एक ओरिएंटेशन करने के लिए, एक जागरूकता के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बड़े मूलभूत से प्रश्न श्रोताओं के साथ साझा कर रहा हूं, जिसे हम वक्तव्यों के बाद डिस्कस करेंगे भी और देखेंगे कि हमें उसके विषय में क्या समझ है। और कई बार ये प्रश्न इसलिए भी होते हैं कि जिस दृष्टि से हम आ रहे होते हैं, तो एक प्रकार की डी कंडीशनिंग करने के लिए भी होते हैं, कि एक विशेष दृष्टि से जब हम किसी वक्तव्यों को सुनने आते हैं, विषय के प्रति हमारी एक विशेष अप्रोच होती है, तो वो एक प्रकार की डी कंडीशनिंग होती है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आप स्लाइड्स पे देखिए और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए फिर आगे की बात करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड मार्क? आप कर सकते हैं कि चिन्ह और प्रतीक में क्या अंतर होता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप चिन्हों में और प्रतीकों में अंतर करना नहीं जानते तो फिर एक कठिनाई है। तो इस प्रश्न को आप लोग अपने साथ रखिएगा और फिर हम बाद में इसको लेंगे। दूसरी बात है कि डस मार्क और सिंबल एक्सप्लेन रिप्रेजेंट कैरी द सेम मीनिंग? चिन्ह और जो प्रतीक होते हैं, क्या उनके पीछे जो अर्थ होता है, क्या वो वही होता है जो दोनों में कोई अपना वही अर्थ, समानता वाले अर्थ रहते हैं, या कोई भिन्नता रहती है, या उनके अर्थ की कोई व्यापकता रहती है ये। और तीसरा जो प्रश्न है जो श्रोताओं के लिए है, जिसको हम बाद में लेंगे, क्या कोई भी चिन्ह आप उसको प्रतीक कह सकते हैं? अब आप नीचे की ओर देखें तो आप जो दीपक के इर्द गिर्द तीन चीजें आप देख रहे हैं, उन तीन चीजों में क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी प्रतीक के विषय में, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस अवर डे टू डे लाइफ, कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, या हमारे व्यवहार में किस रूप में ये उभर कर आते हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से आए, चाहे व्यापार की दृष्टि से आए, या आपके रोजमर्रा के
अन्य चीजों में जो भी आपके राजनीतिक और आर्थिक चीजें हैं उनमें किस तरह से वो प्रभावित करते हैं। एक दृष्टि तो ये है, अगर इस दृष्टि को भी ध्यान में रखेंगे तो हमें प्रतीकों का एक पक्ष समझ में आएगा, अन्यथा प्रतीकों को सब दृष्टियों से समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर भी आप देखें कि व्हाट वैल्यू डज इट सिग्निफाई, जो भी प्रतीक होते हैं वो कौन से मूल्यों को स्थापित करते हैं किसी भी सोसाइटी में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो हिंसात्मक मूल्यों को करते हैं, मैत्री के मूल्यों को करते हैं, हिंसा के मूल्यों को स्थापित करते हैं, क्या वो वैल्यू सिग्निफाई करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरी दृष्टि, क्योंकि जो भी आप दोनों वक्तव्य आज सुनेंगे उन उनको इन तीन दृष्टियों से देखेगा तभी वो बात अग्रसर हो पाएगी। डज इट सिंथेसाइज सम मीनिंग इन इट सेल्फ इन द मूविंग हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, जो प्रतीक होते हैं क्या वो अपने साथ विभिन्न विचारों की, जो इतिहास में चले आ रहे विचार हैं जिसे हम परंपरा का नाम भी दे देते हैं, तो क्या वो अपने आप में उन सारे विचारों को उन सारे भावों को अपने में समेटते हुए अग्रसर होता है कि नहीं होता। हमारे तक आज जितने भी सिंबल्स हैं जिन्हें भी आप प्रतीक कह रहे हैं, क्या वो प्रतीक अपने आप में इतिहास की दृष्टि से कालक्रम में हमारे पास कोई मीनिंग लेकर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और कितने वो अपने आप में उन मीनिंग्स को सिंथेसाइज करके हमारे पास ला रहे हैं। तो इन दृष्टियों को और इन प्रश्नों को यदि हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी इन प्रश्नों को और इन दृष्टियों को ध्यान में रखेंगे तो हम सभी को आज के वक्ताओं की बात समझने में सरल होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे साथ डॉक्टर सौभाग्यवर्धन ने जुड़ना था लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जुड़ पाएंगे, अगर बीच में जुड़ेंगे तो वो अपनी शुभकामनाएं हमें दे सकेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आज के दोनों वक्ताओं से आपका परिचय कराना चाहूंगा, उनका सम्मान करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी जो डायरेक्टर है रीजनल सेंटर नॉर्थ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, न्यू दिल्ली, इस वक्त वो जम्मू में हैं और उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई मुझे ये अनुभव हुआ कि बहुत गहरे में वो इन कलाओं को और इन प्रतीकों को समझते हैं, जानते हैं, और विशेष रूप से वो जनजातियों के साथ मिलकर के जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसमें तो ये प्रतीक विद्या अपने आप में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और निश्चित रूप से मेरा ये अब विचार भी बन रहा है उनसे जब कल बात भी हुई थी कि इस प्रतीक विद्या को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर हमें कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम में। और ये बात मुझे तब और भी महत्वपूर्ण लगी थी जब डैन ब्राउन के कुछ नॉवेल्स मुझे पढ़ने को मिले और उनमें जब क्रिश्चियन सिंबल्स की वो बात हुई, वो सारे नॉवेल्स जो उसने लिखे क्रिश्चियन सिंबल्स को आधार बना करके लिखे और क्रिश्चियन इल्यूमिनाटीज किस तरह से उन सिंबल्स को जस्टिफाई करने के लिए वायलेंस भी करते हैं और उसमें मिस्टिसिज्म भी ऐड अप करते हैं, कई तरह की चीजें उसमें ऐड अप थी। तो हमारे जो भारतीय परंपरा के ये जो प्रतीक हैं इन प्रतीकों को डिकोडिंग करने के लिए मुझे लगता है कि एक जो सब्जेक्ट है वो जरूर इसमें विकसित किया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि कहीं पे ये पढ़ाया जाता है कि नहीं, प्रतीक विद्या पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती, या किसी सब्जेक्ट के अंश के रूप में इसको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, मैं नहीं जानता। तो डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसके साथ हमारी जो आज की मुख्य वक्ता हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर ऋचा कंबोज जी। इनमें कई तरह के गुण आप देख सकते हैं कि आर्ट हिस्टोरियन भी हैं और साथ ही हेड डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग हैं एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून में, और इसके अतिरिक्त वो प्रेसिडेंट हैं हिमप्रस्थ, एक सोसाइटी है आर्ट फॉर इकोनॉमिक कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, उसकी ये प्रेसिडेंट भी हैं। और ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन, अगर आप देखेंगे कि आर्ट हिस्टोरियन होना और साथ में एक आर्टिस्ट होना, एक पेंटर होना, इन दो चीज़ों का ये तालमेल होना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि आर्ट हिस्टोरियन होने के नाते आपको पूरी परंपरा का ज्ञान होता है कि कौन से कलर्स कब किन अर्थों में प्रयोग किए गए,
विशेष रूप से जब हम नीले या लाल रंग के रंगों के प्रयोग की बात करते हैं, तो किसी तरह किस तरह से वो जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो कभी वायलेंस का प्रतीक हो जाता है सारी कल्चर में, और कभी जो है वो क्रिएटिविटी की फॉर्म में आ जाता है जब हम नवदुर्गा आदि देखते हैं। और इसी तरह से और जो अन्य रंग हैं उनके ऊपर जब आप सारी चर्चा करते हैं, तो बहुत खूबसूरत ये एक आपका क्रियात्मक पक्ष और इतिहास, तो इतिहास और क्रियात्मक पक्ष दोनों को जब आप मिला देते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर ऋचा कंबोज जी से आज वो हमें देखने को वो सारा विचार का वो मार्ग और विचार का वो प्रारूप हमें देखने को मिलेगा। और मैडम ऋचा कंबोज जी से एक मैं क्षमा भी चाहूँगा कि उनके नाम टाइप करने में मुझसे एक गलती हो गई है, वो रिचि रह गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने बड़प्पन से मुझे उस बात के लिए क्षमा करेंगे, ये प्रमाद है। और ये इसके बदले में जो मैं शब्द आपको दे रहा हूँ वो बड़ा सुंदर शब्द है, मैंने कोई और शब्द प्रयोग नहीं किया, ये प्रमाद संस्कृत के वैदिक काल का प्रमाद शब्द है कि ज्ञान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, और वो बड़ा सुंदर और संवेदनशील शब्द है, तो वही मैं प्रमाद मेरे से हो गया है। न प्रमादितव्यम बार बार वो आग्रह करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज के इन दो वक्तव्यों के बाद हम चर्चा सुनेंगे, लेकिन मेरी संतुष्टि अभी भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास जानने के लिए एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ एक चीज़ें और हैं, उनको मैं बहुत संक्षेप में अगले 2 मिनट में आप लोगों के साथ साझा करके मैडम ऋचा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथ बातचीत आरंभ करेंगी। देखिए, प्रतीक सामान्य रूप से जब मैं अपने सब्जेक्ट की ओर से देखता हूँ, तो प्रतीक मुझे वो दिखाई देते हैं जहाँ पर मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। मनुष्य और ब्रह्मांड की गतिविधियों के बीच में जब आप एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रतीकों का आप निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से हमने भारतीय संदर्भ में प्रतीकों को केवल एक कर्मकांड के साथ या पूजा पद्धति के साथ जोड़ के रख दिया है, लेकिन मैं आपको अगले क्षण में ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से उस ब्रह्मांड के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो प्रतीक हैं, उनको आप थाली में रख करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू सिंबल्स, जिन्हें आप हिंदू कह देते हैं, लेकिन भारतीय जो सिंबल्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट सिंबल भी देख सकते हैं, ये पैगोडा जैसे में होता है, पंच महाभूत है ये, क्योंकि चित्र बड़े नहीं है इसलिए वो ज्यादा नहीं देख पाएंगे। ये जो आप जैन सिंबल्स देख रहे हैं, जैन प्रतीक, इसमें पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने स्थापित किया है, और इसी तरह से कॉन्शियसनेस के जो डिफरेंट लेवल हैं यहाँ पर आप जैन प्रतीक विद्या में देख सकते हैं। इसके अलावा इन प्रतीकों के लिए आप ये मुद्राओं को देखिए कि किस प्रकार इन मुद्राओं के रूप में उन पूरे के पूरे पंच महाभूतों को, संपूर्ण सृष्टि को अवगत कराने का वो प्रयास करते हैं। ये जो चिन्ह मुद्रा है, आदि मुद्रा है, वायु मुद्रा है, आदि आदि, इन बहुत चीजों से तो शायद आप लोग परिचित ही होंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो इस भूमिका को भी आप ध्यान में रखें। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि सामान्य रूप से जब हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं अपने जन्मदिन पर या किसी शुभ कार्य में, 9 ग्रहों की बात करते हैं, अब उन 9 ग्रहों को आप जो सृष्टि में फैले हुए प्रतीकों के माध्यम से क्या करता है पंडित जो है, वो उठा करके ला करके आपकी थाली में सजा देता है। वो केवल पूजा पद्धति नहीं है, वो आपको ज्ञान भी दे रहा है कि सन आपके केंद्र में है, मार्स इधर है, जुपिटर इधर है, मरकरी इधर है, मून जो है वो साउथ ईस्ट में है, ये सारा का सारा ज्ञान वो आपको सामने प्रतीकों के माध्यम से दे देता है। तो क्या ये एक खूबसूरत और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है कि जिन प्रतीकों को हम केवल डंप कर देते हैं एक सेकुलरिस्ट होने के नाते, कम्युनिस्ट होने के नाते, या अपने को रैशनलिस्ट कहने के नाते कि अरे अरे ये तो सब पाखंड है, ये पाखंड आपकी थाली में पड़ा हुआ पूरे का पूरा ज्ञान है। अब केवल आप इतना ही नहीं है कि आप उनको एक स्ट्रक्चर देकर के आप पूजा की थाली में सजा देते हैं, बल्कि उनको अलग अलग रंग भी दे रहे हैं। तो कितना कुछ आपको एक थाली में उठा करके आपकी परंपरा दे रही है। लेकिन मैं अपने आधुनिक होने के चक्कर में, अपने को रैशनलिस्ट कहने के चक्कर में, मैं कैसे अपनी परंपरा से दूर हटता हूँ और उसको निकृष्ट मानता हूँ। मैं कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आगे चल करके कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री
ये किस तरह से इन प्रतीकों में कितनी सहायक है और किस तरह से वो टोटल ह्यूमन कॉन्शियसनेस को और जो हमारा यूनिवर्स है उसको किस तरह से वो इंटीग्रेट करते हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा उसके बाद करूंगा। तो लेकिन अभी भूमिका के रूप में केवल आप लोगों को एक विषय से थोड़ा सा अवगत कराने के लिए जो है ये सारी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर ऋचा कंबोज जी को कि वो हमारे साथ आज के वक्तव्य को साझा करें और हमें समझाएं और दिशा निर्देश दें कि इस विषय को हम कैसे समझें। मैडम ऋचा जी, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर आशुतोष अविरस जी, जो संयोजक हैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के, और इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, कि आपने मुझे आज इस राष्ट्रीय वेबिनार का हिस्सा बनने का एक मौका दिया और अपने विचार रखने का एक मौका आपने मुझे दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। तो हमारे जो चेयरपर्सन हैं उनकी अनुमति से मैं अपनी बात रखना चाहूँगी और अपना प्रेजेंटेशन देना चाहूँगी पीपीटी के माध्यम से। सर, तो कैन आई शेयर माई लाइक पीपीटी? मैडम, यू कैन अपलोड योर पीपीटी नाउ। या आई एम जस्ट ट्राइंग टू, यस ये शेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? मैम, ये शेयर में जाकर के आप फाइल शेयर कीजिए। फाइल शेयर करना है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, स्टॉप फोटो नहीं, है। नीचे शेयर, नीचे की ओर देखिए, वहां पर शेयर फाइल लिखा हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है शेयर हाँ फाइल जी, उसके ऊपर क्लिक करके केवल आप अपनी पीपीटी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, शेयर फाइल कीजिए। जी, आपको दिखाई दे रहा है सर? मैम अभी पीपीटी नहीं। जी, नाउ इट इज विजिबल, इट्स विजिबल, इट इज विजिबल, यस यस विजिबल। यस, राइट नाउ। अच्छा, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स ऑन इट, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा शायद ये। इट विल डू, इट विल डू, जी जी ओके चलेगा। ओके, शैल आई स्टार्ट देन? ओके, ये अभी कंटिन्यू करेगा, इसको आप इसको क्लिक करके आप साइड पे नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्लिक करके ओके, इसको आई विल साइड पे जस्ट ट्राई। करें, नहीं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, स्क्रीन शेयर में नहीं हो पाएगा ना ये? स्क्रीन शेयर में भी हो जाएगा, आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मैं जब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना सर, आपका इमेज आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं आना चाहिए। तो चलिए आप प्लीज कंटिन्यू विद इट, वो एक्चुअली पहले विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे, जब तक आप यहाँ से बंद नहीं करेंगे, क्लोज डाउन करेंगे उसके बाद। हाँ हाँ ओके सर, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये आपको, तो चलिए कोई बट बात आई नहीं, होप यू विल बी अवेयर विद इट, आई कांट हेल्प, तो ठीक है। कुछ टेक्निकल है। यस सर, सर सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट। आई विल बी स्पीकिंग ऑन नेचर ऑफ इंडियन सिंबलिज्म, इट्स फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस, जैसा कि मुझे कहा गया है। तो यू नो, इन द स्फीयर ऑफ आर्ट, सिंबलिज्म इज द अर्लिएस्ट नोन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। Symbolism in Indian art dates back to Indus Valley civilization itself and much prior to it. In the prehistoric art of India, we come across the language of signs and symbols. Prehistoric Indian art was totemic in nature,
where a few suggestive lines connote human beings, flora and fauna. It won't be an exaggeration to say that signs and symbols have been an essential feature of human psyche ever since the evolution of human existence on earth. यानी कि प्रागैतिहासिक काल से ही अगर हम देखें तो जो अभिव्यक्ति का मुख्य साधन बनी वो हमारी साइंस और सिंबल्स की भाषा थी. विद इट्स रूट्स इन नेसेसिटी टू ओवरकम द फियर टू ओवरपावर द वाइल्ड एनिमल्स इवोक मिस्टिक पावर्स फॉर सक्सेस इन देयर एनकाउंटर विद द डेडली बीस्ट. सिंबल्स इन इंडियन आर्ट बेसिकली मे बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इन टू कैटेगरीज. First, the motifs which symbolize gods and goddesses, and secondly, symbols which convey the entire philosophy associated with different cults like Brahmanism, Buddhism, and Jainism. Prior to conceptualization of god and goddesses in human form, it is the symbols which were used in Indian art to manifest them. The earliest Shaivite symbol dates back to Indus Valley civilization. Stone objects discovered from Indus Valley, Lingam and Yoni, mark the earliest manifestation of Shivalinga worship. I don't know if you are able to see it. the ling is the symbol of Shiva himself, whereas Shivling and Shakti is an iconic representation of goddess शक्ति. मतलब जो योनि है वो शक्ति का प्रतीक है और लिंग स्वयं शिव का प्रतीक है. दस सिंबलाइजिंग बोथ मेल एंड फीमेल पावर्स एज द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. द लिंगम एट गुडीमलम इन आंध्र प्रदेश डेट्स बैक टू सर्का 3rd century बिफोर कॉमन एरा. And the Bhitarling in Lucknow Museum dates back to 2nd century before Common Era. मतलब काफ़ी प्राचीन काल से ही हमें लिंग के स्वरूप में शिव की पूजा का जो एग्जिस्टेंस है वो देखने को मिलता है. In Hinayana Buddhism, which adheres closely to the teachings of Buddha, who was against his own self being worshipped as an idol, Buddha was represented symbolically. The torans and various components of the stupas like Vedikas, medallions at Sachi, Bharut and Bodh Gaya are carved in bas relief with scenes or narratives where padukas, Buddha's footprints, white elephant, throne, umbrella and a sacred tree marks the presence of Buddha. Moreover, symbols like three ratna, three jewels symbolize not only Buddha but also sung his order and the dharma, his teachings. The symbols were not just used to manifest Buddha, but the cult itself. Buddhism would include the order as well as teachings of the Buddha. For the layman, for the illiterate devotees, these simplified symbolic depictions were like alphabets, which when put together with other visual images, conveyed the entire narrative to the devotees for whom scriptures were hard to study and comprehend. In Jainism, also Ayagapat, which were discovered from Kankalika Tila at Mathura, which date to 1st century Common Era, contain symbols like the stupa, the Dharma Chakra, Tri Ratna, Ashtamangal, Chaityaviksh, etc. Thus, in Jainism too, symbols were the earliest form of worship. The Jain Ayagapata were inspired by Shilpa Pats, which were placed under a tree to worship Yaksh or Yakshi. The symbol of Jain religion is a good example of how philosophy of a sect is manifested through very precise symbols. The contours of this emblem stands for the entire universe, the Trilok. The lower portion symbolizes hell. The middle portion symbolizes the earth, the Manushyalok, and the upper portion symbolizes the Devalok, the heavenly abode of celestial beings and the Siddhas. The hand with the chakra in center with Ahimsa written in center urges one to stop before performing an action
and to contemplate if his her action will not cause any harm to any being. The wheel reminds us of never-ending cycle of life and death which follows due to our unthoughtful violent deeds. The swastik symbolizes four pillars of the Jain Sangha: sadhus, sadhvis, shravak and shravikas. One should first become a devoted and true shravak and shravika, followed by renunciation of the worldly life as sadhus and sadhvis in order to achieve salvation. The three dots above the swastik symbolize three jewels of Jainism: samyak darshan, that is the right faith, samyak gyan, right knowledge, and samyak charit, that is right conduct. One who possesses these three jewels only is liberated. The arc above is the Jain symbol of universe, the abode of the Siddhas, the Siddha Shield, the final abode of the liberated soul. The dot is symbolic of the Siddha. Thus, here one symbol is suffice to convey the entire philosophy associated with Jainism. Now, swastik is also a very popular symbol in Hinduism, in Buddhism, and in Jainism. The word swastik comes from the from Sanskrit word swastik, meaning conducive to well-being. Swastik is used on all auspicious occasions, and it symbolizes well-being. मतलब कल्याण का प्रतीक है. द द्रोण पर्व ऑफ महाभारत मेंशंस दैट युधिष्ठिर बिफोर गोइंग टू हिज रॉयल कोर्ट ही यूज्ड टू वर्शिप स्वास्तिक. इट फाइंड्स मेंशन एज वन ऑफ द लक्षण्स ऑफ अ महापुरुष इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट. वी गेट रेफरेंस टू स्वास्तिक ग्राम इन मानसर एंड अदर शिल्प ग्रंथ एंड ऑफ स्वास्तिक प्रसाद एज मेंशनड इन मानसर विहत संहिता Sambrankan Sutradhar. Swastik houses and swastik boats find reference in the Ramayana, as mentioned by Abhinav Gupta in his Tantra Lok regarding the origin of Nath Brahma and Shabd Brahma. Six swar are akin to six rays of sun, which in turn symbolize six lines of the swastik. One vertical, one horizontal crossing each other, and four offshoots from each end, making a total of six lines symbolizing six rays of the sun. Its depiction in India dates back to prehistoric period. This partially, I am sorry, visible swastik itself is from Indus Valley civilization, and is also found at Panchmadi, at Baniyaberi cave, at Bhimbetika, etc. Swastik with arms clockwise symbolizes prosperity, happiness, success, good luck, and shows complete safety. And when this auspicious symbol is depicted on entrance, on the place of worship, on water pitil, etc., on auspicious occasions, it is done with the objective to reaffirm one's faith, and they keep one positive due to the deep faith associated with it, which ensures good luck, luck, success, and prosperity. It symbolizes four cardinal points, blessing from four directions, and is believed to manage energy from all four directions. Worshipping swastik is akin to worshipping the four directions or four lokpals. The counterclockwise is called swavastik, symbolizing night and tantric aspect of goddess Kali. It is an auspicious symbol in Hinduism, Buddhism, and Jainism. In Swetambar tradition, it is one of the Ashtamangalic symbols. In Jainism, it is also a symbol of the seventh Tirthankar, Suparshvanath. Now, another very popular symbol is Shri Vats. Shri Vats is held in high esteem as an auspicious symbol of wealth, prosperity in Brahminical as well as Bodh and Jain religion. Shri is Lakshmi, and Vats means son. Vats means son or putra. Hence, Shri Vats means son of Shri or Lakshmi. Hence, its significance was akin to goddess Lakshmi herself. And it came to revered as a symbol of wealth and prosperity. Shri Vats also means beloved of Shri goddess Lakshmi. Vishnu's chest bears the mark of Shri Vats as a result of the mark imposed by Shool of Rudra on the chest of Narayana. An incident which finds mention in the Mahabharata.
इट्स पॉइंट्स डिपिक्शन इन हाथी गुम्फा. दिस इज पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम हाथी गुम्फा एट उदयगिरी नियर भुवनेश्वर उड़ीसा विच वॉज इंस्क्राइब्ड बाय खारवेला डेट्स बैक टू सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा. नाउ गॉडेस लक्ष्मी एंड श्री वत्स आर टुगेदर. इट इज ऑन द एक्सट्रीम आई थिंक द लोअर पोर्शन यू कैन सी देर इज स्वास्तिक डिपिक्टेड एंड जस्ट अबव इट इज श्री वत्स. तो बिसाइड्स लक्ष्मी एंड श्री वत्स आर टुगेदर डिपिक्टेड इन स्तूप नंबर टू एट सांची अमोघ अनंत गुम्फा एट खंडगरी इन उड़ीसा एंड श्री लक्ष्मी अलॉन्ग विद श्री वत्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड. आई एम वेरी सॉरी यू वॉन्ट बी एबल टू सी दिस इज अ कॉइन विच डेट्स टू सर्का फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा. इट्स बिलोंग टू द पीरियड ऑफ अमोक भूति अ कुनिन द किंग एंड इट इज इट ऑल्सो फाइंड्स डिपिक्शन ऑन द कॉइन ऑफ फाल्गुनी मित्र पंचाल किंग वेर इट इज डिपिक्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी. एंड इफ यू कैन सी इन द सेंटर ऑन द राइट साइड ऑफ द डियर इज गॉडेस लक्ष्मी डिपिक्टेड and just above the deer is the symbol of Shri Vats in its modest form on this coin. The Tirthankar images often appear Shri Vats on their chest, as explained by Acharya Dinkar in medieval period, that from the chest of the Tirthankars emerged the highest knowledge in the form of Shri Vats. It emerged as one of the lakshanas of Mahapurusha in Kushana period, and since then it found depiction on the chest of Tirthankaras. Gradually, it became a common feature on the chest of Jain, Buddhist, and Brahminical deities. It is believed that the 10th avatara of Vishnu will bear Shivas symbol on his chest. In Tibetan Buddhism, it is depicted as a triangular swan or endless. Not another very popular symbol is Triratna. Triratna is a very popular symbol both in Buddhism and in Jainism. The Triratna symbol comprises of a lotus flower with a nasasana, a diamond rod or a vajra, and Anand Chakra, a trident or trishul with three branches representing the threefold jewels of Buddhism. First is Buddha himself, then the dharma, which means doctrine or teaching, and the sangha, which stands for monastic order. In Jainism, the three jewels are referred to as samyak darshan. Jainism mein jo ye teen ratn hai, isme pehla hai samyak darshan, the right faith, samyak gyan, the right knowledge, and samyak charit, the right conduct, which are essential for salvation. Triratna in Indian art often finds depiction as a trident. In Brahminical philosophy also, three numbers are considered auspicious: Brahma, Vishnu, and Mahesh. They symbolize creation, nurture, they are called nurturer and destruction. These three aspects, and they together are called Tridreva. Swarg, Antariksh, and Patal, these are called Triloka. And some art historians and philosophers believe that Triratna in its simple form with a circle and a semicircle on top of it is symbolic of the sun and the moon and the moon. The former is considered as the god. I mean, the sun is considered as the god, the Virat Purusha. And the later, I mean, the moon is the symbolic of nature and the dharma, and together they forming the sangha, and they symbolize life itself. The earliest manifestation of Triratna symbol is in its very modest form is found on the ancient Panchmark coins from Magadha Janpad. This is an ancient coin, and you will find that on the niche ke jo hissa hai is coin ke. इसमें बहुत ही मॉडेस्ट फॉर्म में श्रीवत्स बना हुआ है. तो इट लेटर ऑन दिस गॉट रिफाइंड समवॉट इन सातवाहना पीरियड, देन इन द कॉइन्स ऑफ अमोघ भूति इन कुनिंदा पीरियड,
And in the coins of Kullu kings, in the coins found from Ayodhya and Takshila, Mathura, Kaushambi, etc. In the archaeological excavation at Song at Mathura, a clay panchangul was discovered with Triratna in center, flanked by Shivas and Indradhwaj. So among Hindus and the amongst Hindu, the Triratna symbol is also known as Nandipat. Another very common and very popular symbol is Chakra. Chakra is the universal symbol of the sun. It is symbol of Jivan Chakra, assimilating the creator, the nurturer, and the destroyer as Brahma, Vishnu, and Shiva. It is the symbol of Dharma, Karma, Kal, pace, that is Gati. Hence, we find reference to Brahma Chakra, Sansara Chakra, Dhava Chakra, Karma Chakra, Kal Chakra, and Dharma Chakra. In Indian art, it has found manifestation as the weapon of gods and goddesses, as the Prabha Mandal, and also as an essential lakshan of a Mahapurusha with which he is born. Chakra is very frequently depicted on the seals found at Indus Valley, most probably as a solar symbol. And also, it also appears on the coins in ancient India. It is an auspicious symbol and is very popular in Brahminical cults, Jainism, and Buddhism. This is a Buddha's footprint, which belongs to first century Common Era Gandhara. And in the center is the chakra depicted, and just below it is Triratna symbol. Reference to revolving wheel occurs in Bhagavad Gita. In the third chapter, and the verse reads that from food the beings are born, from rain food is produced. Rain proceeds from sacrifice, action proceeds. Brahma is born of Brahman, the eternal Paramatma. The one who does not follow the wheel, thus revolving, leads a sinful vain life, rejoicing in the senses. तो इसमें भी हमें देखते हैं कि किस तरीके से भगवद गीता में भी जो चक्र या व्हील का जो महत्व है वो बताया गया है. इट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स ऑन चैन अयागपत्र फाउंड फ्रॉम कंकाली कटीला एट मथुरा. धर्म चक्र सिंबल इज फाउंड इन हिंदू बौद्ध एंड जैन रिलीजन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अष्टमंगल सिंबल्स इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. अलाइक अयागपत्र इन जैनिज्म, चक्र पथ वर वर्शिप बाय बुद्धिस्ट. In the Buddhist Ayakapata discovered from Kaushambi, which dated to first century before Common Era, Buddha's footprints are depicted, which contain chakra symbol on it. Similar manifestations are to be found from Amravati and Nagarjun Konda. Buddha's first sermon is also referred as Dharma Chakra Parvatan. In the beginning of Buddhism, Buddha's image was never shown. So Dharma Chakra also symbolized Buddha himself, as visualized in the bas reliefs at Sanchi and Barut, and it also symbolizes his first sermon. Dharma Chakra evolved from the concept of Hindu Chakravartin Samrat, which referred to an ideal king, a wheel turner or universal monarch. Thus, Buddha was the wheel turning sage who brought about revolutionary changes with his teachings. Dharma basically means the way of life, do's and don'ts, the moral values to be practiced, or universal moral order. So the Buddha is known to have set the wheel of dharma in motion. Again, some footprints with the image of chakra and Triratna. And this is this is the representation of sun on the left side and moon on the right side from Hanul Mahasu temple from Uttarakhand. So it's a very popular motif or symbol, often depicted in Uttarakhand, in hilly regions, in wooden, you know, architecture, wood art, and in metal embossing. We find a representation of the sun and the moon motif along with the Navgraha symbols, etc. Besides Panchangulang ya Panchangul symbol,
इज वेरी पॉपुलर एंड वी आर ऑल क्वाइट फेमिलियर विद इट. ओपन पाम विद फाइव रेस्ड फिंगर्स आर पॉपुलर एज पंचांगकुल एंड ऑफन द इम्प्रेशन ऑफ पंचांगकुल इज टेकन विद हल्दी मिक्स राइस पेस्ट कॉल पिष्टी और पिष्ट, हेंस ऑल्सो नोन एज पिष्ट पंचांगकुलांग. इट इज ऑल्सो यूज एट द टाइम ऑफ गृह प्रवेश, मैरिज और चाइल्ड बर्थ. Hand impressions are found in prehistoric art at Mirzapur in UP, Bhimbetika, and Bherkhera in MP. Panchangul symbol is found in the sculpture reliefs at Bharut and song at Mathura. Hand is the main factor in life to perform all worldly karmas. Five is considered as an auspicious number in Hinduism, like Panchamrit, Panchatattva and Panch Parmeshwar. The word Panchatattva originates from Sanskrit, where Panch stands from five and Tattva indicates element. Following the universal law of life, everything on this planet is composed of five basic elements or Panch Mahabhuts, that is Akash, Vayu, Jal, Agni and Prithvi. In rural areas, the custom of making seven Panchangulum or shapes outside the temple of Devi is very common, symbolizing Sapt Matrikas. In the inscription of Yashodhar Varman on red sandstone pillar at Mandsaur, which dates to circa 550 to 550 Common Era, we find reference to Panchanguluk. And this inscription reads that May, that very long banner of God, Chulupani, destroy the glory of your enemies. That banner, which bears a representation of the bull Nandi, marked by the five fingers dipped in some dye and then placed in some dye and then placed on him by Parvati, the daughter of the mountain, that is Himalaya, who causes the distant region in which the demons are driven wild with fear by his terrible billowings to shake, and who makes the glen of the mountains Sumeru to have their rocks split open by the blows of his horn. Thus, according to this inscription, Panchanguluk was considered auspicious at that time too, as Parvati is believed to have made this sign on Nandi, which was depicted on the long banner of Shulapani. So the significance of Panchanguluk is mentioned in ancient Indian scriptures. In Harshcharitra, Banabhadra, he performs many auspicious deeds before proceeding to meet Harsh when he was called to his court, which include the worship of Purnaghata, which had a Panchanguluk symbol on it. Thus, Panchanguluk is highly auspicious symbol, which symbolizes the entire universe itself and the five basic elements with which it is composed of. Now, Kalash or Purnghat is also a familiar symbol. We all are familiar with it. Kalash, Mangal Kalash, Purnghat, Purn Kalash or Brahm Kalash are the various names by which a Kalash is referred to. The water in the Kalash symbolizes the sap of life, and in Vedas, it is referred as Som Kalash, Chandra Kalash, Indrakum, Mangal Ghat and Purnghat. As it is believed to contain Amrit, so it symbolizes abundance, immortality and wisdom. It is an essential feature of all auspicious occasions, and its different parts connote different auspicious meanings. The pot itself is symbolic of the earth or the womb which nurtures life. Mango leaves, which are usually seven, five, seven or nine in number, they symbolize fertility and pleasure. The coconut symbolizes prosperity. The kalash also symbolizes five elements. The white base of the kalash is symbolic of the earth, Prithvi. The white center portion of the kalash, which contains water, it symbolizes Amrit or Jal. An opening of kalash symbolizes Vayu, that is air. And leaves above it, they symbolize Akash, the sky. In the Mahabharata, Yudhishthira used to worship some auspicious objects, and Purnghat was one of them. In Harshcharit, as already mentioned, Panabhat also worshipped Mangal Kalash before going to the royal court. A Kalash is placed with due rituals on all important occasions.
this place near the entrance as a sign of welcome. Now, a very common motif or symbol which finds representation right from the hoary past in Indian art is tree. Now, this is a Panchmark coin from Takshila that belongs to 2nd century before Common Era, which has a depiction of tree. Trees have a tradition of being worshipped in Hoary Past. Amongst the earliest form of worship, tree is one. Tree provides human beings food, shelter, medicine, and many more objects of utility. In the Atharva Veda, the dense trees are referred as the devtas. They were considered as the dwelling places of the divine places and souls, hence were worshipped. Both in the Mahabharata and in the Ramayana, single dense tree in a village was considered sacred to be worshipped. A reference to tree as gods occurs in Jataka stories too, where they are mentioned as Rukh Devta. Buddha attained Bodhihood under a peepal tree. His mother, Queen Maya, she gave birth to Prince Siddharth in a grove of trees in Lumbini, holding the branch of a teak tree with her right hand, and Buddha at the time of his Mahaparinirvana, branch of a teak tree with her right hand, and Buddha at the right hand, and Buddha at the time of his Mahaparinirvana, was in the grove of sal trees in Kushinagar with his head placed between two sal trees. Kalp highly sacred. It finds mention in Vedic scripture. It is believed to have emerged at the time of Samudra, which later Indra planted in his abode in paradise. This is a mountain which later Indra to Mugdha. In this, Samudra mountain is depicted, and you can see in the center of that Samudra mountain. It is a wish fulfilling tree, a priest that was there at Jamdagni Rishi temple. Kalpavriksha tree never decays. That particular tree, it never decays. And whosoever prays there, his or her will is always answered and fulfilled. A Kalpavriksha is mentioned in Sanskrit work Mansar as a royal insignia. Ornamental Kalpavriksha was a feature of the reverse of coins in Gupta period and also finds manifestation in sculpture. Tulsi again is a very pious tree due to its medicinal values. It is worshipped and planted in houses and is believed that it cures all vastu doshas as well as it makes the ambience of the house blissful and healthy. Lotus symbolizes life floating on the surface of the primordial waters. An open lotus is symbol of the sun. It is considered as flower of life blossoming on the earth and also a sign of consciousness in the matter. The sun god, the sun is depicted holding lotus in his both hands, one symbolizing sunrise and the other symbolizing sunset. Lotus also symbolizes the earth. As the Padam Puran, it mentions the lotus which emerged from the navel of Vishnu was Prithvi Rupa. That is, the lotus itself was the Prithvi. The open lotus always faces the sun, as the sun is also the symbol of knowledge and Brahma. Hence, the lotus and the sun have the spiritual connotations. Lotus is the asana of Goddess Lakshmi, hence she acquires her names from it. Padam Varna, Padam Hast, Padam Priya, Padmakshi, and Padma Samba. These are different names by which Lakshmi is referred. Lotus also symbolizes divinity, immortality, and divine perfection. And lotus is one of the attributes of Vishnu, who is called Lotus-Eyed One, Pundrakshi. Now, Meenamathun Rakshi. Now, or a pair of fish is also very popular in Indian art. Fish appears on the seals discovered from Harappa, belonging to Indus Valley civilization. A pair of fish is one of the Ashtamangalic symbols in Jainism and often depicted on the Jain Ayakpats
footprints of Buddha and on coins for well-being and safety. On an image of Parshvanatha, discovered from Mathura, Meena Mithun is amongst the Ashtamangalic signs depicted on the Nagahood, and on the footprints of Buddha discovered from Nagarjuna that dates to 3rd century Common Era. This is a detail of an architectural component of Nanda Devi temple in Anbora, which has depiction of a pair of fish. A pair of fish symbolizes the state of fearlessness of being drowned in the samsara or the worldly web. It also symbolizes the two rivers, the worldly web. It symbolizes the two rivers, the Ganga and the Yamuna. Fish is considered as a symbol of fertility and abundance in Pahari folk art. A male, when depicted surrounded by fish or holding fish in hands, represents a water deity. Then in Uttarakhand, and especially in the hilly regions, symbol that is, or a motif that is very popular is a snake or naga. So a motif which is depicted universally in every wooden temple in Uttarakhand, and besides other stone temples also, it is a snake. The areas near water springs and rivulets in the hills abound in snakes. Water springs are considered as abode of snakes. The hill people living in wild surroundings are always haunted by the fear of this creature. Therefore, perhaps in mountainous regions, the practice of Naga worship grew over the ages so as to propitiate it, seeking protection and well-being. They are depicted singly or are often entwined. When entwined, they symbolize the principle of creation. This is a depiction of entwined snake. You might not be able to view, but I think in this one, if you can see, there is an entwined snake image embossed on a metal door gem from a temple at Arcot. So when snakes are held by a man in his hand, it represents the personification of Naga Devta, and it can be seen in many temples in Uttarakhand. So the symbols in Indian art, whether it is Hinduism, Buddhism, or Jainism, acquire a great significance. Semiotic or symbols are known to be the earliest known language on the earth. They underwent evolution from their modest appearance to the more refined forms. There are symbols for Indian gods and goddesses, and at the same time, symbols came to convey the philosophical ideologies, spiritual aspects associated with their respective cults. These were worshipped with the urge to attain prosperity, riches, well-being, protection from negative forces, and also reminded the disciples to follow the dharma, moral doctrines, and to live a detached life and to attain spiritual liberation and self-realization. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Really grateful to you for such a beautiful, wonderful lecture. And you have covered all the aspects, right from Jainism to Buddhism to Hinduism. And there are few things which I will share with you also. इससे पहले कि मैं हमारे आज के प्रेसिडेंशियल कमेंट्स के लिए डॉक्टर वीरेंद्र वांगरू जी को आमंत्रित करूं, दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. उससे पहले मैडम ने बहुत सारा एरिया कवर किया है और वाकई ये एक बड़ा मुश्किल काम था जो उन्होंने कर दिखाया है, क्योंकि जैनिज्म को अगर आप छूने लगेंगे तो उसी की सीमाओं का कोई अंत नहीं है. जब आप बुद्धिज्म को देखने लगेंगे तो उसकी सीमाओं का कोई अंत आपको नहीं दिखाई देगा, और हिंदुइज्म में तो है ही इतना कुछ कि कहना ही बड़ा मुश्किल है. और देखने वाली बात यह है कि अभी जैसे बात आई थी बीच में नाग को देवता, यहाँ पर आकर के मुझे कई बार लगता है कि यहाँ हमें एक डिकोडिंग का एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा. हमें साइंस, एस्थेटिक्स, फिलॉसफी, कल्चर, ये सब कुछ एडअप करना पड़ेगा, और तभी जाकर के जिसे हम देवता कहकर कह देते हैं, उन देवताओं के पीछे का जो एक विजन है या मीनिंग है उसको हम निकाल पाएंगे. जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि जब हम सांप के सिंबल को लेते हैं तो वो दो मीनिंग देता है. एक तो वो काल का मीनिंग देता है, टाइम का,
और दूसरा वो आपके प्राण का, जिससे आप प्राणायाम करते हैं, तो अगर आप ये ये शोर मत करते दोनों उसमें। जी, और इस तरह से इन चीजों के जब आप सिंबल्स देखने लगते हैं, अच्छा जैसे आप यहाँ पर अभी आप ये देख रहे हैं कलश के ऊपर एक नारियल देख पा रहे हैं, तो नारियल को मुझे लगता है कि वो एक सिंबलाइज क्या करता है कि बाहर का खोल आपके देह को बताता है, बाहर का शरीर नारियल जो है, भीतर आपका जो बाकी माइंड का कॉन्टेक्स्ट है वो सारा क्लियर करता है, जो आप जिसे आप गिरी कहते हैं, और जो उसके भीतर रहने वाला जो जल है, नारियल का जो पानी है, वो आपके आत्म तत्व चेतना है। जब आप इन सिंबल्स को इस अर्थ में लेने लगते हैं तो आपको तुरंत उन सिंबल्स के एक अलग ही वैल्यू लगने लगती है, एक अलग ही अर्थ आने लगता है। इन चीजों को मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन एक दो चीजें और मैं एस्पेक्ट्स लेना चाहूंगा। हाँ, एक बात और मैम, मैं बाकी प्रशंसा करना चाहूंगा आपके इस सारे वक्तव्य की, कि मैडम ने जितनी भी बातें की हैं, आप देखिए कि सारे के सारे सिंबल्स जो वो लेकर के आए हैं वो एग्रेरियन कल्चर बेस्ड सिंबल्स हैं। कहीं पर भी इन सिंबल्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडस्ट्री से उठ के आए हैं या इंटेलेक्चुअलिज्म से उठ के आए हैं। टोटल एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्स के बारे में, उसका जो समझ है यूनिवर्स के बारे में, वो कैसी रही है। तो मैं समझता हूँ हमें, मतलब ये इतना व्यापक और इतना खूबसूरत विषय है जिसको तो मुझे लगता है कि हम कई देर तक हमें चलाना चाहिए और इसको पूरी व्यापकता से समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा, उनका वक्तव्य लेंगे। ये एक डायमेंशन है श्रीयंत्र, आप लोग सबने सुना होगा, और ये है कि केवल उसको एक धार्मिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 54 जो इसमें ट्राइंगल्स आप देख पाएंगे, उन ट्राइंगल्स के सेंटर में ये जो रेड कलर है, इसको अगर आप देवी या वो भगवान के साथ ना जोड़ करके अगर आप यहाँ पर अपने को स्थापित कर लें, ठीक है, और इनके जो 54 ट्राइंगल्स आप देखेंगे तो प्रत्येक ट्राइंगल में आपको अपनी डायमेंशंस दिखाई देंगी। एक आदमी की 54 डायमेंशनल जो उसकी पर्सनैलिटी की हो सकती हैं, वो सारा का सारा इस सारे सिस्टम में आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये सिंबल्स बहुत गहरे हैं, मैं क्योंकि इसमें अभी जाना नहीं चाहता। अब आप ये देखिएगा, ये इसका जो कलरफुल है, इनमें हर कलर का अपना मतलब है। येलो कलर ज्ञान के प्रतीक और क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हैं। ये भूसुर है क्योंकि इस श्रीयंत्र का एक बड़ा ही सुंदर मतलब है कि जितनी भी चेतना उतरेगी वो उतरेगी इसी धरती पे। तो इसीलिए ये जो बाहर का आप आउटर पेरिफरी देखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, और इस ये सारा का सारा आपका साइको फिजिकल जो वर्ल्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन है। आप इसको धर्म से बल मत जोड़िए, इसको रिचुअल्स के साथ मत जोड़िए, वो साधकों के लिए रहने दीजिए, लेकिन एक बुद्धिजीवी होने के कारण, ज्ञान में रुचि रखने वाले लोग होने के कारण, अगर आप इस चीज को डिकोड करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो हम जो है साइकोलॉजी, साइकेट्री, और कौन सा ऐसा विषय है जिसके साथ हम इन चीजों को नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन एक बात और मैं दोबारा प्रश्न आप लोगों के साथ, श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि एक विषय इसके ऊपर एक कल भी अगर बनता है तो मैं देखता हूं कि कल भी एक बार हम पुनः 10 बजे मिलें और इन चीजों को देखें। मैं आपके सामने दो प्रश्न और रख रहा हूं, मैंने पहले भी कुछ एक प्रश्न रखे थे वक्ताओं को बताने के लिए। ये भाषा और भाषा के संदर्भ में है, क्योंकि वहां पर जो भी आप आकृतियां देखते हैं, अल्फाबेट्स देखते हैं, उनकी अपनी एक आकृति है, वो सारे के सारे सिंबल्स हैं। आप देखिए कि किसी भी भाषा के उच्चार्यमान वर्ण, ध्वनि एवं लिखित वर्ण के आपसी संबंध की क्या व्याख्या है? क्या हमने कभी सोचा? हमने कभी ध्यान दिया कि जब आप अ उच्चारण करते हैं और अ जो लिखा जाता है, उनके आपस के संबंध क्या हैं? वो उस तरह की आकृति उभर के कैसे आई? पंजाबी में जब हम कक्का कहते हैं, खक्का कहते हैं, या पप्पा कहते हैं, तो वहां पर वो आकृतियां जो उस तरह की उभर कर आ रही हैं, वो आकृतियां क्यों उभर के आ रही हैं और उनको सामाजिक मान्यता कैसे मिली, उनके पीछे का सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और दूसरा प्रश्न, हाँ, ये जिस दूसरा प्रश्न मैंने आपसे साझा कर ही लिया है कि लिखित वर्ण की जो आकृति है,
चाहे वो ए का सिंबल है, बी का है, या क ख घ, जो भी आप सिंबल्स देखते हैं, उनके पीछे सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व्याख्या कैसे करेंगे। और अपनी बात को अंत में लाकर के मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वीरेंद्र जी को कि देखिए, यहां पर मैं और एक गहरा आपको पक्ष दिखाना चाहता हूं। जब आप इन वर्णों आकृति समूह को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि इन आकृतियों में सब जगह ऊपर जो है, आप एक चिन्ह लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं प्रत्येक आकृति के ऊपर, अ, ख, री, जो भी आप देखेंगे। और दूसरी, आप इसमें खड़ी हुई रेखा देखेंगे, एक ऊपर चिन्ह दूसरा है, लंबी रेखा है, और एक खड़ी हुई रेखा है। आप में से कोई मुझे ये बता सके प्रश्नोत्तर काल में कि ये क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है, या ये यूं ही लगा दिए गए? कोई ना कोई तो अर्थ होगा। जिन लोगों ने इन आकृतियों का निर्माण किया, वो किसी भी भाषा की हो, पंजाबी की हो, तेलुगु की हो, तमिल की हो, उन सब आकृतियों के ऊपर क्या हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उनका विश्लेषण करके नहीं देखना चाहिए कि ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल कैसे हुए? कहने को कह देते हैं सोशल साइंटिस्ट कि भी लोगों ने मिलके भाषा बना ली होगी, लेकिन क्या भाषा ऐसे बनाना संभव है? और क्या उसे हम चला पाएंगे कि लोग, कुछ एक लोग मिले और उन्होंने चला ली? तो इन चीजों के अर्थों को हम देखने की और समझने की कोशिश करें। इतना सा मैं केवल अभी तो संकेत मात्र कर रहा हूं, मैं आपके साथ और भी कुछ बातें शेयर करूंगा, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र भागरू जी के वक्तव्य के बाद, जो कि डायरेक्टर हैं रीजनल सेंटर के, नॉर्थ सेंटर नॉर्थ के, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा प्रेसिडेंशियल कमेंट्स के लिए कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण हमारे साथ साझा करें, और फिर अंत में जो है हम प्रश्नोत्तर लेंगे दोनों मुख्य वक्ताओं से, और कुछ बातें फिर हम निश्चित और भी करेंगे कल के लिए या आने वाले समय के लिए। सर, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा आपको लाउड होना पड़ेगा, आपको अपना जी। वॉल्यूम जो है। ठीक, जी सर, हाँ। नमस्कार डॉक्टर आशुतोष जी और डॉक्टर ऋचा जी। डॉक्टर ऋचा जी ने विस्तार से जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला, और जहाँ हम सिंबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बताना आवश्यक होगा कि जो हमारी जो भी ये परंपरा है, इसके लिए जो पूरा जो ज्ञान दर्शन है वो हमारी प्राचीन पांडुलिपियों में है। तो यहाँ मैं आपको ये जो एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो नई दिल्ली में स्थापित है, यहाँ पर भारतीय ज्ञान एवं दर्शन एवं जो हमारी जो परंपराएं हैं उन पर शोध और अध्ययन होता है। इसी शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो है, हमारे केंद्र ने जो पूरे देश में जहाँ जहाँ जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, उन पांडुलिपियों को जो है माइक्रोफिल्म करके, डिजिटाइज करके केंद्र में लाया गया, जिससे कि यहाँ के जो शोधार्थी हैं, हमारे देश के शोधार्थी हैं, वो उससे उससे जो है लाभान्वित हो और उस पर अध्ययन कर सके। अब आप देखिए कि जो जो हमारी जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, ये विभिन्न विभिन्न जो है स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं, और इसमें तो बहुत सारे स्क्रिप्ट तो अब जो है बहुत कम लोग उसको अब प्रयोग में लाते हैं, जानते हैं। जैसे शारदा है, जो कश्मीर में, कश्मीर और गंधार पूरे क्षेत्र में शारदा लिपि थी पहले, और इसी लिपि में जो है हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं शारदा लिपि में ही। कश्मीर का जो ज्ञान दर्शन जो है उसी लिपि में हमें ये ग्रंथ मिलते हैं। और यहाँ पर जब हम शारदा की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो मैं आपको एक सूचना देता हूँ, यह है कि जो हमारी जो प्राचीन पांडुलिपि जो हमारे देश में जो है उपलब्ध है, वो है गिलगत से हमारे प्राप्त हुए हैं। तो गिलगत से जो ये पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, ये भी जो है शारदा और जो है गुप्त लिपि दोनों का मिश्रण है इसमें। तो इसमें जो है हमें अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो है बौद्ध ग्रंथ हैं, और इसके साथ साथ उसमें आयुर्वेद के भी ग्रंथ हैं, पाक शास्त्र के भी ग्रंथ हैं उसमें। और ये ग्रंथ जो हैं, ये जो हमारे जो चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी, उससे उससे पहले ये कश्मीर से जो है ला करके ये राष्ट्रीय जो है अभिलेखागार में रखे गए हैं, नेशनल आर्काइव में रखे गए हैं। तो इन ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इन ग्रंथों से ही हमें जो है, हमें जो 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 हम सिंबोलिज्म की बात करते हैं, जो हम प्रतीकों की बात करते हैं, प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं, तो हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो हमारे जो जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, इसने इसके लिए एक एक विशिष्ट एक
कोर्स भी स्टार्ट किया है, वो है मास्टरटोलॉजी कोर्स है, जिसमें मैस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो अध्ययन है और जो उसमें विभिन्न जो लिपियां हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि शारदा लिपि है, टाकरी लिपि है, फिर जो है हम साउथ में देखेंगे तो वहाँ ग्रंथा लिपि है, फिर मोडी लिपि है। तो इस पर भी लोग जो हैं, इस पर कार्यशालाएं भी होती रहती हैं कि लोग जो हैं जाने हमारे जो शोधार्थी इसको इसको प्रयोग में लाएं, और जब ये इस लिपि को समझेंगे तो वो ग्रंथों को भी फिर पढ़ सक लिख समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो हमारी जो लिपियां हैं, ये लिपि जो है कहीं इसका जो मूलभूत रहा होगा वो भी पिक्टोरल राइटिंग से शुरू हुआ होगा, जिस तरह से हम जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं उनमें हम देखते हैं कि पिक्टोरल से फिर वो फिर उसमें संशोधित करके जो है जो अभी जो हमारे पास सामने जो लिपि आई है वो उसी का स्वरूप है। तो उस जो उसके जो बीज अक्षर है वो भी एक अध्ययन का एक क्षेत्र हो सकता है। और रही बात की कि जब हम ये बात करते हैं इन प्रतीक को जानने और समझने की, तो यहाँ में एक जो ग्रंथ है जो है कामसूत्र है, जिसको जो है वासनी ने लिखा है, उसमें वो 64 कलाओं की बात करते हैं। अब ये 64 विविध कलाएं हैं, या अब ये इतनी विविध कलाएं हैं कि इसमें जो है शास्त्रीय संगीत से लेकर के सज्जा से लेकर के यहाँ पर जो है इसमें जो है जो प्रतीक चिन्हों को समझने और जानने की भी उसमें बात है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ये जनमानस में ये सब चीजें पहले व्याप्त थी, शास्त्र भी साथ थे, अध्ययन भी होता था, लोगों तक ये जानकारी भी रहती थी। और जो ये जो जो वात्स्यायनी कहते हैं कि इसमें जो है इसमें कोई ऐसे भेद नहीं था, कि ये दोनों के लिए अनिवार्य था, स्त्री एवं पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, कि वो इन 64 कलाओं के बारे में उसका अध्ययन करें, उसके उसको उसको जानें, उसको प्रयोग में लाएं। तो ये थोड़ी सी टिप्पणी थी जो अभी जी ने जो भाषण दिया है, और हमारे डॉक्टर आशुतोष जी ने जो कुछ में बिंदु उठाए हैं। तो मेरा जो विषय है वो आज का विषय जो है वो है सिम्बोलिज्म इन टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मैं इस विषय पर बोलूंगा। अब पहले तो यह है कि जो मंदिर जो है ये इसकी संरचना कैसी होती थी। अब ये जो है कि ये जो मंदिर हमारे हैं ये इट रिफ्लेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ आर्ट। द टेम्पल जो है इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड ऑल कॉस्मिक एलिमेंट्स दैट क्रिएट्स एंड इज पार्ट ऑफ लाइफ आर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेड इन द टेम्पल। तो पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो उसकी पूरी की संरचना जो है हम एक मंदिर के वास्तु में हमें देखने को मिलती है। द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इन द हिंदू टेम्पल आर डिजाइन टू फंक्शन वेयर इट बिकम मीनिंगफुल एंड हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन दैट इज मोक्ष। द टेम्पल्स आर बिल्ट अराउंड द बिलीफ दैट ऑल द थिंग्स आर वन एंड एवरी थिंग इज कनेक्टेड। द टेम्पल्स आर ऑल्सो न्यूक्लियर ऑफ इम्पोर्टेंट सोशल इकोनॉमिक आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन। द इंडियन टेम्पल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन ब्रॉडर ऑर्डर्स। जो है दो मेन जो शैलियां हैं उसमें मुख्यतः है नागर शैली है जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, और द्रविड़ शैली जो हम जो है साउथ में देखते हैं, और एक और शैली है वेसरा जो है जिसमें जो है इंडिपेंडेंट शैली है ये, और इसमें हम दोनों का समावेश देखते हैं, नागर और द्रविड़ शैली का भी। जो नागर शैली है इंद्र शैली वो सी कर्वलिनियर सुपर स्ट्रक्चर है, जो जो शिखर होता है वो कर्वलिनियर की तरह होता है, विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द टेम्पल। इन द स्टाइल द गेटवे एंड द बाउंड्री इज लेस एम्फेसाइज इन कंपेरिजन टू द्रविड़ स्टाइल। इन द स्टाइल गंगा एंड जमुना रिवर्स आर डिपिक्टेड इन इन पर्सोनिफाइड फॉर्म एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह और सेंक्टुअरी। इन नागर स्टाइल देर मे बी मेन शिखर विद मल्टीपल स्मॉल शिखर, जिनको हम अंग शिखर बोलते हैं, जैसे हम जैसे खाजुरा मंदिर में भी हम हमें बहुत सारे अंग शिखर देखने को मिलते हैं मेन शिखर के साथ साथ। अब नागर शैली में हम देखते हैं कि जो जहाँ पर जो मूर्ति स्थापित होती है उनके जो जो पीठ होते हैं वो ऊंचे होते हैं, जिनके ऊपर जो है मूर्तियाँ होती हैं। और द्रविड़ शैली की हम बात करें तो द्रविड़ जो है शिल्प शास्त्र के अनुसार जो है ये जो है जो कृष्णा जो नदी है और जो कन्याकुमारी का जो बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये द्रविड़ शैली। और इस शैली में जो है जो जो मंदिर होते हैं वो पैरामिडल शेप के होते हैं,
दैट शैली हैज द पिरामिडल यू नो टेंपल सेंट्रल टावर, जो जो सेंट्रल मेन जो शिखर टावर होता है जिसको हम शिखर कहते हैं नॉर्थ डे में, तो इस यहाँ इसको विमान कहा जाता है. गोपुरम ऑफ द गोपुरम द एंट्रेंस द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज प्रोमिनेंट एंड बिग इन साइज इन कंपेरिजन टू नागर स्टाइल. द बाउंड्री ऑफ टेम्पल इज ऑल्सो एलाबोरेट इन द स्टाइल इन दिस नाग दिस द्रविड स्टाइल. द्वारपालाज जो होते हैं वो एंट्रेंस के एंट्रेंस पर होते हैं, मुख्य द्वार पर होते हैं, जबकि जो है नागर शैली में हम वहाँ पर गंगा और यमुना को देखते हैं. और जो हमें जो द्रविड़ शैली के जो द्रविड़ जो मंदिर थे इनका जो है पूजा अर्चना तो यहाँ होती ही होती थी, साथ में यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज भी यहाँ पर रहती थी. टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर. इन द टेम्पल आर्किटेक्चर वी सी ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉक कट केव्स टू मोनोलिथिक रथास विच फाइनली कल्मिनेट्स इन स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स. द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंसिस्ट ऑफ गर्भगृह. तो मेन एक गर्भगृह होता है मीन्स वोम विच हाउस इज द मेन डिटी. उसके बाद जो है मंडप होता है उसके सामने, मंडप जो कॉन्ग्रेशन हॉल है. इट इज द एंट्रेंस टू द टेम्पल. It is meant for gathering for large number of worshippers in some temples depending on the size and the style. हम देखते हैं वहाँ पर अर्ध मंडप होता है, मंडप होता है, मुख मंडप और महामंडप भी रहता है. A series of mandapas like नृत्य मंडपा, भोग मंडपा भी हम बहुत कुछ मंदिरों में देखते हैं, जैसे ओडिशा के मंदिरों में. शिखर और विमान जो है, शिखर इज लाइक द स्पायर ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल. इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल जो है वो हाँ उसमें शिखर कहते हैं, और जो विमान में जैसे मैंने कहा विमान जो है वो साउथ इंडियन मंदिरों में. अमालिक जो है ये एक डिस्क रेडिटिंग डिस्क होती है जो मंदिर के ऊपर सुसज्जित होती है, और उसके ऊपर फिर कलश आता है. और अंतराल जो है गर्भगृह और मंडप के बीच में जो एक जगह होती है उसको अंतराल कहते हैं. और वाहन जो है वो मंदिर के जो है द्वार पर होता है, उसका जो मुख मंदिर की तरफ होता है. अब हम शिव मंदिर में देखेंगे तो नंदी होगा, अगर विष्णु मंदिर होगा तो वहाँ पर गरुड़ ध्वज होगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देर आर वास्तु शिल्पा एंड शास्त्रास विच वर मैनुअल्स फॉर आर्किटेक्चर आइकोनोग्राफी गिविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रपोर्शन composition and also the meaning. When not talking about these Vastu and Shilpa Shastra, there are many manuscripts which are available to us. For example, there is Vishnu Dharmata Puran. It talks about literature, music, dance, theater, painting, sculpture, iconography and architecture. And also in Agni Purana also talks about the iconography. देन देर इज ब्रह्मांड पुराना. ब्रह्मांड पुराना जो है उसमें जो है वास्तु के ऊपर भी जो है लिखा गया है, और जो है मूर्ति कला है उसके ऊपर भी. मानसारा में जो है उसमें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में उल्लेख है. फिर बृहत संहिता जो है वराहमिहिर का है, उसमें जो है उसमें भी एक जो चैप्टर है वो आर्किटेक्चर के ऊपर है. फिर मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है जो है मंदिर की वास्तु का और मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वास्तु जो है शास्त्र से है, वास्तु विद्या है, शिल्प रत्नकोश है, ये भी वास्तु के ही शास्त्र हैं. फिर एक एक बड़ा महत्वपूर्ण जो एक ग्रंथ है वो है समरांग सूत्रधार. इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया वर्क ऑन इंडियन क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर. दिस वास्तु शास्त्र इज क्रेडिटेड टू किंग भोजा. ही इज सेड टू बी द किंग ऑफ यू नो द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. ये जो संग्राम सूत्रधार है, ये इसमें 83 चैप्टर्स हैं एंड इट गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाउन प्लानिंग, हाउस आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर एंड स्कल्प्टेड दीज रिलीफ्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. एंड वी हैव एंड इट आल्सो इंक्लूड्स चैप्टर्स ऑन डेकोरेशन ऑफ पैलेसेस, यंत्रराज एंड आल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड शेप aerial cars and robots means to act as gods. It is the voluminous treatise about vastu vidya or architectural theory and provides insights into construction processes and glimpses of unknown temple forms.
It holds key to the ambitious temple project of Boja, which remained unfinished and would have been the biggest Hindu temple in the world. इंदिरा गांधी राष्ट्र केंद्र जो है इस ये जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस पर भी जो है शोध कार्य कर रहा है और ये शीघ्र ही ये प्रकाशित होगा। फिर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण की हम बात करते हैं कि इसके जो ये जो है एनसाइक्लोपीडिक एक ये है इसके तीन खंड है जो कॉस्मोलॉजी कॉस्मोजेनी ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी जीनोलॉजी और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर मैनर्स एंड कस्टम्स जो होते थे और ये जो मुख्यतः जो है ये जो वैष्णव जो संप्रदाय से ही ये जुड़ा हुआ है लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें ड्रामेटोलॉजी डांस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी इसमें उल्लेख है। जो इसका पहला खंड है वो जो है डील्स विद द पुरानिक लीजेंड्स एंड रिवर्ट्स। जो उसका दूसरा खंड है इट डील्स विद पुरानिक रिचुअल्स इन रिलेशन टू वैष्णवास। जो उसका तीसरा जो इसका खंड है इस वैष्णव धर्म पुराण का इसमें जो है आर्किटेक्चर की बात होती है आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग डांस म्यूजिक। और इसी एक खंड में जो है हमारे पास एक महत्वपूर्ण जो एक खंड इसका है वो है चित्र सूत्र जिसमें जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग्स की बात होती है। चित्र सूत्र वैष्णव धर्म पुराण किंग वज्रा इन कन्वर्सेशन विद सेज मार्कंडे ask to say that how to represent the supreme paramatma in painting or image who is formless. Sage Markandeya explains that the entire universe should be understood as modification vikriti of the formless prakriti. He further explains that for an ordinary being the formless is endowed with a form and that form is full of significance. According to Chitra Sutra the shilpa and the chitra are closely related to natya. The Indian sculptures are representative of the yogic postures and poses described in Natshastra. So it is a very important text this Vishnu Dharmutra Puran. The Brahman Puran jo hai usme bhi jo hai ulekh hai usme jo hai cosmology hai genealogy yog aur jo hai vastu ke bare mein bhi ulekh kiya gaya hai. इसके साथ साथ और भी ग्रंथ हैं जो शिल्प शास्त्र के ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं जिन पर शोध की आवश्यकता है। इसमें है प्रतिमा लक्षणा विदा नाम है प्रतिमा मान लक्षणा। इसमें जो है इसमें अगर जो जो खंडित मूर्तियां हैं उसको कैसे ठीक किया जाए तो इसमें इस तरह का उल्लेख है। फिर माया मतम है इसमें भी जो है कंस्ट्रक्शन की बात होती है आर्किटेक्चर की बात होती है। शिल्प रत्नम है इसमें जो है कला और वास्तु की बात है। युक्ति कल्पात्रु है इसमें जो जो ज्वेलरी मेकिंग के बारे में उल्लेख है। और जो है शिल्प कला दर्शनम फिर है चित्रकल्प जो है फिर माया शिल्प शास्त्र ये भी ये ग्रंथ है जो है। फिर है विश्वकर्मा शिल्प है इसमें जो है काष्ठ कला के बारे में उल्लेख है। रत्न शास्त्र है इसमें जो है जेम्स और ज्वेलरी के बारे में उल्लेख है क्राफ्ट के बारे में उल्लेख है। फिर नाट्य शास्त्र है नाट्य शास्त्र में थिएटर डांस म्यूजिक पेंटिंग और स्कल्पचर का उल्लेख मिलता है। फिर कादम्बरी है जो बांधभट की है इसमें हमें टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्स के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये जो सारे ग्रंथों के बारे में जो ये जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भी ग्रंथ हैं जो इसमें बहुत सारे ग्रंथ जो है अप्रकाशित भी हैं और ये ग्रंथ जो है विभिन्न जो पुस्तकालयों में हमें रखे गए हैं। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उसने अभी तक जो है 52 जो केंद्र हैं जहाँ पर ओरिएंटल लाइब्रेरीज है पूरे देश में वहाँ जा करके इनका माइक्रोफिल्म किया गया फिर माइक्रोफिल्म के बाद इसका डिजिटाइजेशन किया गया और ये सब ग्रंथ जो हैं उनकी कॉपी 2.5 लाख से ऊपर के ग्रंथ हैं ये राष्ट्रीय कला केंद्र के जो है आर्काइव में उपलब्ध है। कोई भी यहाँ पर जा सकता है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको जो ये कहूँगा कि आप जो है IGNC की वेबसाइट भी देख लें इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी जो है इसमें भारतीय ज्ञान दर्शन और हमारी परंपराओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये जो IGNCA अगर आप सर्च करेंगे तो आप इसके वेब पोर्टल पर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है प्रकाशित ग्रंथ भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। फिर हम सिंबोलिज्म की बात करें जो मंदिर में जो सिंबोलिज्म की बात है तो हिंदू टेम्पल सिंबलाइजेज द बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन लाइफ एंड थॉट।
It represents the cosmological symbolism in an aesthetic garb. We see a gradual engineering and architecture development having its core the cosmological symbolism. In the process of development, regional idioms and variations evolved in distinct style due to factors like environment, regional rituals, socioeconomic condition, and also because of the patronage. We see the regional variations. A Hindu temple is a symbol and in true sense, aggregate of various symbols. It is ritually invested with a human personality, Vastu Purusha. The name of various limbs of human body from foot to head are applied to Indian architectural text to different parts of the temple structure. Forms like foot, legs, thigh, neck and head denote the anatomical portions corresponding to the those of human body. The body is lifeless without the soul. So is the temple without the installation of deity in the sanctorum, that is the Garbhagriha. The installed deity symbolizes the supreme ruler of the universe and is treated like a king with regal paraphernalia. The deity is provided with royal paraphernalia of a throne, umbrella, and fly whisker. Lighting of lamps, music, and dance also form part of the daily ritual in the temple. Music, dance, and public ceremonies are conducted in Mandapa, Mukhamandapa, Bhoga Mandapa, and Niti Mandapa in the temple. The main sanctum is a place for individual self-realization. The main sanctum is dimly lighted by earthen lamps, which we see in the South Indian temples. It suggests that the light emanating from it illuminates the whole universe. The temple symbolically is a microcosm of the universe, inhabited by gods, demigods, human beings, and flora and fauna. The representation of 8 Dikpalas, the regents of the cardinal points on temple walls, also symbolically represent the universe. The circumambulation pradikshina around the main sanctum symbolically means taking pradikshina around the world, around the whole universe, in fact. तो ये जो प्रदक्षिणा जो पथ होता है ये तो एक गर्भगृह के चारों तरफ भी होता है और पूरे मंदिर के तरफ मंदिर के उसके प्रांगण में भी होता है। अब ये प्रदक्षिणा करने से हम जो है पूरी जो ब्रह्मांड की हम परिक्रमा कर लेते हैं, इस तरह का इसमें देश है। The main sanctum represents a cave and the superstructure about it represents a mountain, शिखर। अब जो है इस तरह का भी ये आधार मान के चला जाता है कि ये जो मंदिर है एक तरीके से जैसे हम एक कैलाश की हम परिकल्पना करें तो उस कैलाश में एक गुफा है तो उसके अंदर जो है वो गर्भगृह है जिसके अंदर जो है आत्मा जो परमात्मा है उसमें और जो ऊपर जो शिखर है शिखर जो है शिखर को कैलाश भी कहा गया है मेरु भी कहा गया है मंदरा भी कहा गया है फ्रॉम द ब्रॉड बेस ऑफ द टेम्पल द सुपरस्ट्रक्चर कन्वर्जेस इनटू वन व्हिच आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड द सिंबल ऑफ सुप्रीम डिटी एनश्राइंड इन द सैंक्टम जब हम प्रदक्षिणा करते हैं वाइल सर्कुलेटिंग अराउंड द सैंक्टम एंड द डिवोटीज कम अक्रॉस द स्कल्प्टेड पैनल्स हम देखते हैं कि जो है दीवारों पर जो खंबे हैं पिलर्स के ऊपर प्लास्टर सीलिंग के ऊपर हम जो है जो पुरानिक थीम्स हैं उनको दर्शाया गया है तो इससे भी जो है एक जो श्रद्धालु है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो एक शिक्षा भी प्राप्त होती है उस प्रदक्षिणा के साथ साथ वो शिक्षित भी हो जाते हैं द डिपिक्शन ऑफ गंगा एंड जमुना गंगा और जमुना हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हम देखते हैं कि मुख्य द्वार पर दोनों साइड से जो है गंगा मकर के ऊपर जो है हसीन जो है जमुना जी जो है कछुए के ऊपर जो आसीन होती है तो वो दोनों डोर जायंट्स पर वो खड़े होते हैं तो इसका ये अर्थ है कि एक शुद्धिकरण की तरफ इसका जो है अर्थ है और जो है ये मानकर चलते हैं कि जब वो प्रवेश करते हैं गंगा और जमुना से तो फिर वो शुद्धि प्राप्त होकर के फिर वो जो है दर्शन करते हैं मेन डिटी के दर्शन करते हैं फिर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो सिंबोलिज्म जो है उस स्कल्पचर्स में भी सिंबोलिज्म है जो है द टेम्पल्स आर कवर्ड विद एलाबोरेट स्कल्प्टेड पैनल्स एंड ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसेप्चुअल प्लान The placement of images planned, that is, as I told you, the river goddess Ganga and Yamuna are placed at the entrance of the Nagara temple
इन द ड्रेवडन टेम्पल वी हैव द्वारपाल इज प्लेस ऑन इधर साइड ऑफ द गेटवे। फिर जो अष्टदिक्पालाज हैं द डिटीज फेसिंग एट की डायरेक्शन आर प्लेस्ड ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। फिर नवग्रह जो हम देखते हैं जो है लिंटल पर नवग्रह बने होते हैं और जो है नवग्रह के साथ साथ यक्ष भी होते हैं जो 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 गार्ड करते हैं मंदिर को। हिंदू आइकनोग्राफी जो है उसमें भी बहुत सारे तत्व छुपे हुए हैं। उसमें है कि हिंदू हिंदू आइकनोग्राफी फ्रॉम द बॉडी फॉर्म्स टू द सिंबल्स एम्बलम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैव मीनिंग। हर किसी चीज का मीनिंग है और जो है जो एट्रीब्यूट से ही हम पहचान भी लेते हैं देवी देवताओं को। अब ये उनकी शक्ति हैं जो है जिससे उनके साथ अस्त्र शस्त्र होते हैं। अब जो अगर हम सोर्ड की बात करें तो इट सिंपलाइज विजडम, शील्ड इज फॉर प्रोटेक्शन, स्पीयर इज वेपन फॉर स्पीयर जो है वो जो है कार्तिकेय का भी है शस्त्र है और अग्नि का भी शस्त्र है। अब जो है ड्रैगन इज डिपिक्टेड इन टेरिफाइंग मैनिफेस्टेशन गॉडेस, क्लब सिंबलाइजेस पावर ऑफ नेचुरल लॉ, बो एंड एरो रिप्रेजेंट्स दिस मेल एंड फीमेल एनर्जी, थंडरबोल्ट डबल एज ड्रैगन सिंबलाइजेस immunity and invincibility, circle symbolizes cycle of life and death and emphasizes the transient nature of all things। तो हम ये देखते हैं कि जो जो वास्तु को जो समझना है तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो शिल्प शास्त्र है इनका अत्यंत आवश्यक है और साथ साथ में ये भी है कि जो एक पूरी विधि विधान से जो है एक तो जो उसकी संरचना होती थी उसका पूरा एक प्लान बनाया जाता था और उसी प्लान के आधार पर फिर जो है स्थापित किया जाता था प्रॉपरली विधि विधान के साथ और उसके बाद उसको जो इसका इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी एक पूरी विधिवत ढंग से वो भी शास्त्रों के अनुसार। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हर कोई जो स्टेप है जो जो है एक शिला रखने के साथ साथ फिर उसके बाद जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो भी स्टेप्स हैं उसमें एक मीनिंग है, उसमें वो रहस्य है इस प्रकृति को जानने का और फिर पूरे ब्रह्मांड को जानने और समझने का। और फिर यही ज्ञान एक दर्शक तक ये पहुंचता है, फिर दर्शक भी उस चीज को साधता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आशुतोष जी का जिन्होंने मुझे अवसर दिया जो है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और जो कुछ आपने बताया है वो मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं था और कई सारे मंदिर के ऐसे पक्ष जो मैंने नहीं पढ़े थे वो आपने हम सभी के सामने उपस्थित किए हैं और मुझे लगता है कि अगली बार जब भी हम में से कोई मंदिर जाए तो कम से कम इन चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेगा तो उस मंदिर में प्रवेश करने से उसकी चेतना जो है उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। मंदिरों की बात से मुझे एक और भी चीज़ ध्यान में आ रही थी कि मंदिरों का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, गर्भगृह बनाया जाता है, वो आदमी के प्राणों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो उस वक्त आपके श्वास की गति कैसी होती है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो सारा स्ट्रक्चर जो है उस दृष्टि से बनाते हैं। और यही ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दक्षिण के जो मंदिर हैं और जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनमें आप एक अंतर इस दृष्टि से आप देखेंगे। दक्षिण के मंदिरों में जो लंबा कृति है कि ऊपर की ओर उठाने की मंदिर का, वहां पर प्राणों को ऊर्ध्व गमन करने की वो क्षमता एक अपनी तरह की है। लेकिन ये बातें बड़ी सेंसिटिव सी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि इस दृष्टि से कितने लोग देखेंगे या इस दृष्टि से कभी मंदिर गए। और उत्तर भारत में जो डोम है वो बड़ा खुला सा बनाया जाता है और उसमें जो है आपके प्राण का विस्तार है। एक दक्षिण भारत में आपके प्राणों के ऊर्ध्व गमन की गति रहती है जब आप मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर को अब लोग अगर इस दृष्टि से देखें, साइकोफिजिकल एंगल की दृष्टि से देखें, उसके दृष्टि से उसका चेतना को देखें, तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि अभी हमने केवल सिंबल्स के उन अंगों को देखा है कि जो एक सिंबल मंदिर जैसे एक उसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं जो उसको मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन उन सिंबल्स के पीछे भी साइकोफिजिकल क्या चीज़ें हैं वो बड़ी जाननी बड़ी महत्वपूर्ण है। और मेरा बल्कि आपसे एक
निवेदन रहेगा, मैडम भी साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राभा खेत्रपाल जी जो प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज यमुनानगर से, होम साइंस की हैं मैडम, उनसे भी और डॉक्टर संजीव घारू जी से भी निवेदन मेरा रहेगा कि क्या हम इस तरह का कोई कोर्स चला सकते हैं जो चाहे छोटा सा ही हो, एक हफ्ते का ही हो, जो भारतीय प्रतीक विद्या के पीछे जो साइंस है, जो उसके पीछे साइकोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर के क्या कोई एक छोटा सा कोर्स भी कभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आक्षेप भी लगते हैं, लोग जो है वो क्योंकि जानते नहीं है इसलिए आक्षेप ही लगाते हैं, और फिर वो लोग एक बिना सोचे समझे जो एक रिचुअल को फॉलो करते हैं वो भी अपने आप में एक चुनौती होती है। अस्तु जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मुझे अनुमति है सर, मैं साहब प्रश्न रख लूँ और उसके बाद आपके कमेंट्स जी, धन्यवाद। दो बातें हमें अभी नहीं छुई हैं इस सारे वेबिनार में, और मैं अब मेरे मन में जो विचार उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि इसका कल भी एक पक्ष और लें, अगर आप सभी लोग जुड़ सकें 10 बजे, तो इसके कुछ अन्य पक्ष जो आज हम नहीं छू पाए हैं और वो छू सकते भी नहीं थे, इतना व्यापक विषय है। एक तो ये है कि अभी हमने मंदिरों की और देवी देवताओं की और बाकी धर्मों की बात की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यज्ञ के जो सिंबल्स हैं, यज्ञ के जो उसमें जितने भी प्रकार की सामग्रियां और जितने भी उसमें उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनके सिंबलिज्म पे बात हो, और साथ ही साथ हम दूसरी तरफ जो मैथमेटिक्स में हम सिंबल्स प्रयोग करते हैं उनके अर्थों का कम से कम मुझे तो ज्ञान नहीं है, यदि हम में से किसी और को कोई ज्ञान हो तो वो ज़रूर मुझे बताए, क्योंकि अक्सर जब मैं कभी मैथमेटिक्स वालों के साथ बात करता हूँ या कभी की उनके साथ जब एक सेमिनार भी था तो उनसे मैंने यही पूछा था, मैंने कहा मुझे आप समझाइए कि एक क्या होता है या दो की संख्या क्या होती है, आप बता सकते हैं व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, एक क्या रिप्रेजेंट करता है, वो है तो कहीं नहीं, वस्तु के संदर्भ में आप कोई संख्या गिनाते हैं तो वस्तु तो अलग चीज हो गई, संख्या अलग चीज है, लेकिन उस संख्या को क्या रिप्रेजेंट करती है और वो कौन सी मानसिकता उसके पीछे होती है, क्या उसके साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होते हैं, तो ये दो प्रश्न है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी आप लोगों की टिप्पणी चाहिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि भाई डॉक्टर साहब पहले इसके ऊपर अपनी बात आप रख दीजिए, प्रतिक्रिया, प्रतिसंवेदन, बल्कि प्रतिक्रिया शब्द गलत है, दैट इज अ रिएक्शन, सो आई विल लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस प्रतिसंवेदन, सो देन वी विल इन्वाइट क्वेश्चंस, सर प्लीज। जी सर, आपने जो अभी हम वास्तु की चर्चा कर रहे थे, आप देखिए कि हमें जो पिछले 70 सालों में हम देखते हैं, 70 साल से ज्यादा ही हम देखते हैं कि कहीं भी जो है, इवन जो एक तो हुआ जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसकी हम बात करें, जो रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात करें, तो बाकी जो रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर है इसमें जो हमारी जो भारतीय परंपरा थी उसको हमने कभी भी सामने नहीं लाया, जितने भी हमारे देश में जो 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 आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, उसमें हमारा ये ज्ञान दर्शन पढ़ाया ही नहीं जाता, अगर पढ़ाया भी जाता है तो बहुत ही पासिक रेफरेंस के साथ साथ। आप देखिए कि हजारों सालों का इतिहास है इस देश का, और इसमें जो है आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट पूरा एक स्टेज बाई स्टेज जो है उसका उसका हमें पूरा जो है ज्ञान उपलब्ध है, पांडुलिपि में उपलब्ध है, और पूरी प्रक्रिया है, मतलब पूरा एक विज्ञान है उसके साथ, उसका कहीं अध्ययन जो है कहीं कराया ही नहीं जाता, और इसीलिए क्या हो जाता है कि आप देखिए कि आर्किटेक्ट्स जो हमारे यहाँ पर हैं वो जो भी बिल्डिंगें बनती हैं उसको वो वेस्टर्न ड्राइंग से कॉपी करते हैं, जबकि हमारे पास हजारों सालों की परंपराएं हैं, इतने हमारे पास जो हैं जो सिंबल्स हैं, स्पॉलिज्म है, उसको हम प्रयोग में नहीं लाते, जो 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 हमारा जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर है या टेम्पल आर्किटेक्चर है, और कहीं कला कला जो है, जो हमारी जो कला थी, जो हर हमारे जो है हर क्षेत्र में हमारी जो कला थी उसका जो है उसका प्रयोग हम नहीं ला पा रहे हैं। आजकल आप देखेंगे जो बिल्डिंग्स जो हमें बन रही हैं, दे आर बिरिफ्ट ऑफ आर्ट, उसमें कहीं कला कहीं पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ऐसे तरह के आपने कोर्स की बात करी, जो सिंबल्स और स्मॉलिज्म की बात करी आपने, इस तरह के कोर्स बहुत ही उपयोगी होंगे, और कहीं ना कहीं जो है लोग उसमें जो ये जो प्रयोग भी करना वो करने लगेंगे, तो जो है वो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, कि लोगों तक वो समझ आएगी, वो चेतना आएगी, तो उसका जो हम एक एक व्यापक प्रयोग भी कर पाएंगे, ये मेरा कहना था। जी धन्यवाद। अब मैं श्रोताओं से जो हमारे प्रतिभागी रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वो अपनी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं,
ये मंच उनके लिए खुला है, कृपया एक एक करके अपनी बात रखें मर्यादा का ध्यान रखते हुए। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी अगर बात सुन रही हैं, मैडम आभा जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो होम साइंस से हैं तो मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि होम साइंस में तो इस चीज़ को बड़े सरलता से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। होम साइंस जैसे विषय में संस्कृत के इस पक्ष को उठा करके हम बड़े आसानी से ला सकते हैं, जहाँ पर आपने होम डेकोरेशन करनी है और आजकल तो ट्रेडिशनल चीज़ों को ड्राइंग रूम में सजाने का तो बड़े एक ऑब्सेशन सा है। मैडम आभा जी अगर आप बात सुन पा रही हैं तो कैन यू रिस्पॉन्ड टू मी? चलिए नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन किसी और का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक आध सूचना देकर के फिर इसको हम समापन की ओर चलेंगे। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है। हेलो, गुड मॉर्निंग आशुतोष सर। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी जी मैम। हाँ, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बोल रही हूँ यमुनानगर से, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी सर कि घर में जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं, क्या उसका कोई स्पेसिफिक साइज होता है कि इतने साइज की मूर्ति ही घर में रखी जाए? ऐसा हमेशा मन में द्विधा रहती है कि तस्वीर रखनी चाहिए या मूर्ति रखनी चाहिए, और वो किस साइज की हो। बहुत जगह नोशंस है, नहीं इतने से लंबी नहीं होनी चाहिए, इतने से छोटी नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल। आस्था कैसे मेंटेन करें बिल्कुल समझ नहीं आती है, उसके बारे में अगर प्रकट कर सकते। बड़ा मजेदार प्रश्न है, बट इट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आप उत्तर देना चाहेंगे फिर मैं जी जी इन्होंने बहुत जो है अच्छा प्रश्न पूछा इसमें। तो इसमें जो जो एक्चुअली जो हम घर देखते हैं आजकल, जो जो घर हैं वो तो अब क्यूबिकल्स बन गए हैं। तो पहले तो पूरा एक घर होता था, उसमें अलग से एक जो कक्ष होता था, कमरा होता था, पूजा के लिए होता था एक निर्धारित। तो अब वो जो है, अब जब हम दो दो कमरों में आ गए हैं, सिमट के आ गए हैं, तो इसमें जो है हमें जो है जो उपयुक्त जो स्थान हो तो वो रखना चाहिए हमें। मतलब एक्चुअली क्या था कि पहले हमारे यहाँ जो जो ये जो है किचन में भी हम स्थापित कर सकते हैं, और ऐसी जगह पर जो ईस्ट फेसिंग फेसिंग हो, और जहाँ पर जो उसका जो जो कक्ष हो जहाँ पर हम मूर्ति स्थापित करें वो साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कि ये जो है टॉयलेट बाथरूम से दूर ही रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा, और वहाँ पर जो है हम बाहर के चप्पले वप्पले न ले आए, एक कोना से करें। अन्यथा जो था कि या तो अगर आपका पूरा अलग से घर है तो उसमें आप अलग उस घर में स्थापना कर सकते हैं, पूर्व की तरफ जो है एक जो है जो एक मंदिर की आप स्थापना कर सकते हैं। मैडम का प्रश्न ये है कि मूर्ति का साइज क्या हो। जी जी जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, मैम एक जो रैशनल इसके पीछे है, 7 उंगल जो है वो मूर्ति का साइज रहना चाहिए मिनिमम। और उसका जो पीछे तर्क है वो है आपके जो कुंडली है उसके साथ इसका संबंध। मैडम कुछ कह रही हैं, मैम प्लीज रिप्लाई। मैडम रिचा, इसमें कहा जाता है जी, जी सर, इसमें एक उंगल से ज्यादा का कहते हैं साइज नहीं होना चाहिए। जो हम घर में पूजा के लिए मूर्तियां रखते हैं उसका साइज एक उंगल ऐसा बताया गया है। एक उंगल? अच्छा नहीं, मेरा मेरी जानकारी में अब यही है कि 7 अंगुल तक का उसमें साइज रहता है, क्योंकि उससे पहले नीचे जो है वो ठाकुर या जिनको हम वो पत्थर के रूप में ले लेते हैं, ठाकुर जी जिनको कहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मूर्ति का जो है वो 7 अंगुल का माना जाता है। मतलब ये जो लाल किताब और ये बाकी लोग रिकमेंड करते हैं, और उसके पीछे जो कारण रहता है वो आपकी 7 कुंडलियों के साथ उसका संबंध है, क्योंकि पैर से लेकर के मस्तिष्क तक 7 कुंडलियों में उसको विभाजित मूर्ति को किया जाता है, और उसके साथ आपके कॉरेस्पॉन्डेंस बन पाए, आपके बॉडी की जो वेव्स हैं वेव लेंथ और मूर्ति की वेव लेंथ मेल खाए, तो उसके पीछे वो कारण होता है। लेकिन मैडम ऋचा की अपनी बात है, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल शास्त्रीय उन्होंने बात कही है, वो जी 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 दिस इज व्हाट आई नो व्हाट आई अंडरस्टैंड। जी 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 क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी, और कोई किसी का? सही कह रहे हैं सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। ऐसी बात ये है ना कि जी कहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मुझे लगता है कि अभी किसी का प्रश्न नहीं है, तो एक दो सूचनाओं के साथ आज के हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। समाप्त शब्द शायद नकारात्मक है उसको। जी महेश जी, महेश जी कुछ कहना चाहेंगे? मनमोहन जी, मैं ये कह रहा था सर कि घरों में जो शिवलिंग होते हैं उनका जो आकार है वो तो एक दो तीन उंगल से ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है, शिवलिंग का खास करके। सर शिवलिंग को इस अर्थ में मूर्ति में नहीं माना जाता। ठीक है सर। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी सर बोलिए। रोहतास सर मैं ये मैं ऋचा मैडम से एक बात पूछना चाहता हूँ। इनके व्याख्यान में मुझे जमदग्नि ऋषि के टेंपल के बारे में एक जिक्र आया, अगर मैंने ठीक सुना है तो। ठीक ही सुना होगा, तो संदेह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कटकट के आवाज आ रही थी सर। ओके ओके प्लीज गो अहेड। ओके हाँ सर, उसके बाद मैं ये कहना, मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र होने के नाते चिन्ह और प्रतीकों को बिल्कुल आज के वर्तमान समाज में अगर मैं देख पाता हूँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी मैं, जैसे आपके लेक्चर में ऋचा जी आपने स्वास्तिक चिन्ह को बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कल्याण का प्रतीक है, लेकिन मैं आधुनिक राजनीति में देखता हूँ तो नाजीवाद में इसको थोड़ा सा घुमा के रख दिया गया है। और जी और इसके बाद मैं वर्तमान भारतीय राजनीति के संदर्भ में बीजेपी का कमल का फूल देखता हूँ तो ये हमारे देवी देवताओं का कोई मतलब सिंहासन का स्थान है। और कांग्रेस का जो पंजा है, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, जो मुझे पता नहीं था, जो पंचांगुल है जिसको हम हरियाणवी भाषा में थापा बोलते हैं, दीवार पर लगाते हैं, और दोनों दुल्हन और दूल्हे के दोनों अंगूठों को मिलाया जाता है। जी जी हाँ बिल्कुल सही। मेरी दादी ये बताती थी कि इसका मतलब ये है कि इनका बंधन कभी नहीं टूटेगा। जी हाँ बिल्कुल जी, जो शैली आपने बताई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ यहाँ कि वर्तमान समाज में अनभिज्ञता के कारण हमारे शाश्वत कल्याणकारी चिन्हों को हम कैसे आगे प्रयोग करते आ रहे हैं जिनका मूल्य घटता जा रहा है। ठीक है मैम, ऋचा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। बिल्कुल मैं ये आपसे, हाँ सेमी पॉलिटिकल है बिल्कुल। और पहली बात तो जो चिन्ह हमारे हैं और आज जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के चिन्ह हैं वो तो एक उनकी अपनी पार्टी के ही चिन्ह के जैसे ही हैं और उस आइडियोलॉजी को जो हम फॉलो करते हैं बेसिकली, वो जब हम अपने धार्मिक अनुष्ठान पूजा कर्मकांड जो भी हम करते हैं घरों में करते हैं, चाहे औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से, तो वहाँ पे जब हम इनका प्रयोग करते हैं उनका जो मांगलिक एक हमारी जो मांगलिक एक आस्था है उनके प्रति और मंगल कामना जो हम के साथ हम उनको करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ हम कहीं ना कहीं, आप देखिए हम कहते हैं कि दही खा के जाते हैं तो शुभ होता है ना, हमारे प्राचीन ग्रंथों में रामायण में भी दही का आता है, स्वास्तिक का आता है, महाभारत जैसे हमने कहा है, तो आज भी लोगों की आस्था है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब अपने घरों में, जैसे अभी सर कह रहे थे कि वास्तु की बात कर रहे थे कि घर में हम किस तरीके से जोड़ के इस तरीके के कोर्सेज शुरू करें, क्या ये यूजफुल हो सकते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक पहल होगी अगर हम इस पे प्रतीक विधा पे हम कोई अपना कोर्सेज शुरू करते हैं। क्योंकि आज के समाज में अगर हम देखें एक तरीके से हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आधुनिकरण हो रहा है, हम अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक अर्थ भी है, वापस हमारे युवा, हमारी जो युवा पीढ़ी है वापस अपनी मान्यताओं और विश्वास इन सब के प्रति लौट भी रही है। और इसीलिए आप देखिए वास्तु का कितना प्रचलन है, कितना लोकप्रिय है, आजकल लोग बहुत हैवी फीस पे करते हैं जो वास्तु के जानकार होते हैं उनको, अपने घर बनाते हुए घर में चीजों को लगाते हुए किस दिशा में लगाना चाहिए। और अगर हम बात करें डेफिनेटली इटसेल्फ इज अ साइंस,
और इसका आज भी हमारे समाज में महत्व है। और अगर कहीं हम अपनी परंपराओं को भूले हैं, कहीं हम इनके अर्थों को भूले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ही बीच से ये अर्ज, ये एक हमारी एक इच्छा, एक हमारी आवश्यकता भी पैदा हो रही है, और हम लोग दोबारा उन चीजों के प्रति हम वापस जा भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू मैम जी, थैंक यू, ओके मैम, ठीक है। इन सारी धन्यवाद। बातों के साथ आज का हम कार्यक्रम पूर्ण करते हैं, और यही बातें सुनते सुनते मुझे और एक साथ में बात और भी जुड़ गई है कि कल आप में से जिन लोगों की रुचि हो, कृपया आप लोग जुड़ें। मैं देखूंगा कि हमें कोई वक्ता मिल सके तो सबसे अच्छा, नहीं भी है तो हम चर्चा जरूर करेंगे। जी और सर, दो तो ये विषय रहेंगे ही, वैदिक जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर चर्चा रहेगी, और दूसरा भाषा के जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा हम रखेंगे। ये जो प्रतीक हैं इनके पीछे मनोविज्ञान क्या काम करता है, क्यों ऐसे ये प्रतीक बनाए गए, और तीसरा एक पक्ष जो हमारा रह गया है वो है कि सिखिज्म में जो है, सिख दर्शन में जो सिंबल्स रहे हैं, खांडा और इस तरह की सारी चीजें जो वहां रही हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कल लेने के कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पक्ष है वहां पे, सिंबलिज्म की जिस तरह से कड़ा पहना जाता है, और लेकिन कड़े के अर्थ मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, धार्मिक अर्थ आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन सब चीजों के अर्थ क्या है, वो तीन पक्ष कल कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल का सेमिनार हम काफी संक्षिप्त रखेंगे, लगभग घंटे 1.5 घंटे का ही हम रखेंगे। तो और मैं ये भी आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों के लिए कल सर्टिफिकेट्स की व्यवस्था कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि भी कल आपको कल की भी चर्चा के सर्टिफिकेट मिल सके, लेकिन अच्छा लगेगा यदि केवल ज्ञान के लिए आप लोग जुड़े, और विशेष रूप से तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं प्रयास नहीं सर, जुड़ेंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, बाकी मैंने अपडेट कर दिया था, 30 तारीख को हमारा अंतिम वेबिनार रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये जो वेबेक्स है, सिस्को वेबेक्स, इसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, कि ये केवल 50 मिनट का रह जाया करेगा। अभी तो मैं इसको 10 घंटे 9 घंटे यूज करता था, लेकिन वो 50 मिनट्स का ही रह जाएगा, तो मुझे कोई और प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। तो इसलिए 30 तारीख को हम आखिरी वेबिनार करेंगे, और उसमें भाषा, जो 30 तारीख का वेबिनार है उसमें भाषा और ज्ञान के संबंधों पे चर्चा करेंगे, और मंडे को हम चर्चा करेंगे जो कश्मीर के ऊपर चर्चा करेंगे, कि उसमें जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, उसका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो भी रहा है उस पर चर्चा करेंगे, और कल हम अनौपचारिक चर्चा करेंगे इसी के ऊपर, वैदिक सिंबलिज्म और ये जो लिंग्विस्टिक सिंबलिज्म्स और सिखिज्म। तो इन तीन को कोशिश करेंगे, कि मालूम नहीं कितने सफल हो पाते, नहीं हो पाते, लेकिन चलिए इस दृष्टि से हमारे ज्ञान का विकास तो होगा ही। तो मैं अपने मुख्य वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा और श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि अगर कल जुड़ते हैं और अपने अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सबका धन्यवाद करें, और उसके बाद फिर हम ये सभा यहीं विसर्जित करेंगे। संजीव जी सुन पा रहे हैं? संजीव जी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है संजीव जी नहीं इस वक्त हैं, कहीं ना कहीं उनकी सिग्नल्स की प्रॉब्लम होगी। तो चलिए ये दायित्व तो मैं ही पूरा कर देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, सबसे पहले प्रतिभागियों का जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस विषय को सुना, और उसके बाद हमारे दोनों जो वक्ता रहे हैं, जिन्होंने मुख्य वक्ता रहे हैं, तो ऋचा जी, ऋचा कंबोज जी और डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी, उन दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस विषय की कई नई दिशाओं से हमें अवगत कराया है जो हमारी जानकारी में नहीं थी, और
ये भी संभावना उन्होंने हमारे साथ साझी की है कि इस विषय के ऊपर जो है कोई कोर्स भी आरंभ भविष्य में किया जा सकता है। निश्चित रूप से उसमें कई नई बातें उभर कर आ सकती हैं और एक नई दिशा भी हमें मिल सकती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा औपचारिकता में न जाते हुए मैं आप सभी के प्रति अपना विनम्र भाव अभिव्यक्त करता हूँ। और एक पंक्ति की कहानी में मैं अपने दोनों वक्ताओं और सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि सिंबलिज्म पे ही बात खत्म करना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ध्यान आगे बात खत्म करते करते, तो हर कहानी में हर कथा में जैसे कि होता ही है कि एक साधु था, ज्ञानी था, और उसके पास जब लोग जानने के लिए आते थे तो ज्ञान की कोई भी बात पूछते तो वो एक उंगली खड़ा कर देता। इस बात को देख करके एक शरारती जो लड़का था या शरारती व्यक्ति था, उसने मजाक मजाक में जब भी कोई बात होती हो उसने मजाक में उंगली खड़ी करनी शुरू कर दी और लोग जो थे उसे मजाक में लेने लग गए। एक दिन वो व्यक्ति उस साधु के सामने आ गया और उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने उसी तरह से शरारत करने के लिए, चढ़ाने के लिए कह लीजिए, किसी भी वजह से उस उंगली को उसने खड़ा कर दिया। उस साधु ने तुरंत उसकी उंगली को काट दी। लड़का बड़ा चिल्लाया, पीड़ा में तकलीफ में आया, और जब वो भागने लगा वहां से उस पीड़ा के कारण, तो उस साधु ने उसे पीछे से पुकारा और पुकार करके अपने हाथ की उस एक उंगली को खड़ा कर दिया। और तुरंत ही वो जो लड़का था, वो जो शरारती व्यक्ति था, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये कहानी बड़ी विचित्र कहानी है, और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है, सुनी नहीं होगी मैं जानता हूं, ये जेन स्टोरीज में से एक स्टोरी है और बहुत पॉपुलर स्टोरी है। तो वो उस एक उंगली को सिंबल से कौन सा ज्ञान उपलब्ध हुआ, कैसे ज्ञान को उपलब्ध हुआ, और उस पीड़ा को ज्ञान में कैसे बदला गया, ये इस कहानी के पीछे का पूरा पूरा एक दर्शन भी है और मनोविज्ञान भी है। तो इस कहानी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी के प्रति अपना नमस्कार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल को अनौपचारिक रूप से जुड़िए, बाकी देखेंगे, अगर औपचारिक हो सकता है तो देखते हैं उसको। तो डॉक्टर वीरेंद्र जी कल भी मिलेंगे अगर समय निकाल सकते हैं, और मैडम ऋचा जी आप भी, और मनमोहन जी, जो जो भी परिचित लोग हैं, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ अगर जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लगभग 11 बजे तक, 11:15, 11:30 मैक्सिमम। तो आप लोग सभी जो है अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।